नमस्कार दोस्तों, व्यवसाय हमें वही करनी चाहिए जिसके कस्टमर्स बहुत ज्यादा हो, कभी उनकी कमी ना हो, यानी मार्केट में उसका डिमांड बना रहे। दोस्तों, स्टूडेंट्स आपके आसपास कितने हैं, आपके घर में भी हैं, आपके जिले में कितने हैं, राज्य में कितने हैं, और फिर इस पूरे देश में कितने हैं। विद्यार्थियों की संख्या कभी खत्म नहीं हुई है और कभी खत्म होगी भी नहीं। तो दोस्तों, क्यों ना कुछ ऐसे ही सामान का उत्पादन हम लोग करें जो इनसे रिलेटेड हो, स्टूडेंट से रिलेटेड हो। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर कुछ फोटो दिखाई दे रही होंगी, कुछ उसमें मशीनों की फोटोज हैं। मशीनों को देखकर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि जो भी मशीनें हैं वो नोटबुक बनाने के काम में आती है। आज मैं पूरी जानकारी के साथ कि कितने प्राइस की कौन मशीन आती है, कितना स्पेस लेगी, और फिर उत्पादन क्या होगा, प्रॉफिट आपको क्या होने वाला है सेलिंग करने के बाद, कैसे कैसे सेलिंग करेंगे, पूरी जानकारी आज मैं जुटाकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मुनाफे की बात बता देता हूँ, जो कि सबसे अहम होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो क्या आपको मालूम है कि मार्केट में जो भी 20 रुपए की कॉपी बिक रही है वो मात्र 5 रुपए में उत्पादित हो जाती है, 10 रुपए में उत्पादन के बाद मार्केट में वही कॉपी 40 रुपए में बिकती है, 20 रुपए के उत्पादन के बाद 100 रुपए में मार्केट में वो बिक जाती है, और फिर 50 रुपए की लागत के साथ उत्पादित कॉपी को 200 रुपए में मार्केट में बेचा जाता है। बचत की बात की जाए तो उत्पादकों को 20 रुपए वाली कॉपी पर 15 रुपए की बचत होती है, 40 रुपए की कॉपी पर 30 रुपए तक की बचत हो सकती है, वहीं 100 रुपए वाली कॉपी पर 80 रुपए तक की बचत हो सकती है, जबकि 200 वाली कॉपी पे वो 150 रुपए तक का मुनाफा बना लेते हैं। अभी आपको टारगेट है दोस्तों कि पर डे कम से कम 10-10 कॉपियां, मात्र 10-10 कॉपियां बिके तो आप प्रतिदिन 2750 रुपए मुनाफा बनाएंगे। ये सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, सेलिंग तो और ज्यादा की होगी, लेकिन ये मैं आपकी बचत ही सीधे बता रहा हूँ। प्रतिदिन 2000 से लेकर 3000 तक की आप बचत कर सकते हैं सिर्फ 10-10 कॉपियां बेचकर। जबकि आप स्कूल वालों को और कोचिंग वालों को पकड़ लेते हैं तो वही आपके हर महीने अच्छी खासी सेलिंग करा देंगे। यानी प्रतिदिन इन कैटेगरीज में से मात्र 10-10 कॉपियां नहीं, हो सकता है कि 50-50 कॉपियां निकले, तब आपको जो मैंने मुनाफा बताया है 3000 तक का, वो सीधे 5 गुना बढ़ जाएगा। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है दोस्तों, इतना ज्यादा कि जिन्होंने भी इसको किया है वो राजा बन गए हैं। आप देख लीजिए ना कि मार्केट में दुकानों में किन किन नाम से कितनी कॉपियां आ रही हैं, और जब ये आ रही हैं तो हर कोई मुनाफा बना रहे हैं, यूं ही तो नहीं आ रही है। एक दुकान में जब हम लोग स्टेशनरी के जाते हैं तो देखते हैं कि थाक का थाक कॉपी का रखा हुआ है। अब मैं सीधे आपकी लागत पे आता हूं कि कितने की इन्वेस्टमेंट करके आप इसके प्लांट को डाल सकते हैं। दोस्तों, पहली मशीन है हैंड ऑपरेटेड पेपर कटिंग मशीन, यानी हाथों से चलने वाली पेपर काटने वाली मशीन है, जो कि 80,000 रुपए में आपको मिलती है, डिस्काउंट होता है। आप indiamart.com पर जाकर वहां से अच्छे से रिसर्च कीजिए, वहां पर आपको सैकड़ों की संख्या में उत्पादक मिलेंगे पूरे देश भर से जो मशीनों का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, दूसरी मशीन है ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन, जिसमें ब्लेड के साइज के हिसाब से आपको मशीन का प्राइस होगा। 20 इंच, 26 इंच, 32 इंच और 36 इंच के लिए अलग अलग प्राइस दी गई है। 36 इंच ज्यादा फेवरेबल है, हालांकि 32 इंच के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और हैंड ऑपरेटेड कटिंग मशीन की सलाह मैं नहीं देता हूं, हालांकि प्राइस मैंने आपको बताया है, आप ये जो ऑटोमेटिक पेपर कटिंग मशीन है इसी को लीजिए। तीसरे नंबर की जो मशीन है वो भी पेपर काटने वाली ही मशीन है, जो कि बहुत एडवांस है, इसको भी लेने की जरूरत नहीं है। जो दूसरे नंबर की मशीन है उसी के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। अब कॉपी में दोस्तों एज स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो शुरू में आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वैसे चौथी मशीन वही है जिसकी कीमत 260,000 है, अभी इसको रहने देना ही बेहतर होगा। लेकिन पांचवी मशीन डाप प्रेसिंग मशीन आपको लेनी पड़ेगी, जिसकी कीमत 20,000 रुपए है, ये आपको लेना होगा। अब आता है कि कॉपी जब रेडी हो जाए तो उसको स्टिच करना। स्टिच करने के लिए भी दो मशीनें हैं, एक तो फुट ऑपरेटेड है जो कि आपको छठे नंबर पर दिखाई दे रही है, ये 59,000 रुपए में आ जाती है, जबकि 78,000 रुपए में आती है मोटराइज्ड स्टिचिंग मशीन। तो इसी के साथ अपने करियर की शुरुआत करनी है। यही जो आपको सातवें नंबर की मशीन दिखाई दे रही है वही आपको लेना है स्टिच करने के लिए, ये ऑटोमेटिक मशीन है। आप यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं कि जो भी मशीनें हैं उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी जगह ले रही है, कितना उनका पावर है, सारी चीजों को वहां आप देख सकते हैं, पूरे विस्तार के साथ फोटो के बगल में ही दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको सात मशीनें बताई हैं, जबकि तीन मशीन लेकर के आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जो पहली मशीन है वो है पेपर कटिंग मशीन, जिसमें 32 इंच के ब्लेड को आप अगर लेते हैं तो 1,65,000 रुपए में आपको मिल जाती है। दूसरी मशीन मैंने आपको बताया था 20,000 रुपए में डार्क प्रेस मशीन, जिसको आपको लेना है। और जो तीसरी और आखिरी मशीन मैंने आपको बताया था, बुक स्टिचिंग मशीन, जो कि मोटराइज्ड है, 78,000 रुपए में आपको मिल रही है, ये मशीन आपको लेनी है। यानी टोटल तीन मशीनों के साथ आप अपने नोटबुक मेकिंग करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तीनों मशीनों के प्राइस को जोड़ दिया जाए तो 2,63,000 आता है, जबकि आपको तकरीबन 12% का डिस्काउंट तो मुझे बताया गया था जब मैंने उनसे पूछा था, यानी 2,31,440 रुपए मुझे बताए गए थे। लेकिन अगर आप सही तरीके से बात करते हैं और उत्पादक के ज्यादा करीब है, जैसे बड़े बड़े शहरों में है, तो वहां पर इसकी प्राइसिंग और थोड़ी कम हो जाएगी, यानी तकरीबन 15% से लेकर
लेकर 20% तक का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी बात कि अगर इतने पैसे आपके हाथ में एक बार में नहीं है कि 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए आप लगा लें, तो यहाँ पर आपको EMI की सुविधा भी दी जाती है। इन सारे लोगों का बैंकों के साथ काफी अच्छा संबंध होता है, वो कुछ परसेंट का डाउन पेमेंट लेकर के बाकी जो अमाउंट बचते हैं उसको EMI में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको शुरू में 50-60 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अगर हर महीने कुछ हजार रुपए का EMI आ रहा है और मशीन आपके घर में आ जाती है, आप उत्पादन शुरू कर देते हैं और फिर जिस तरीके का मुनाफा मैंने आपको बताया है वो आप लेना शुरू कर देते हैं, फिर आप अपने करियर को काफी बेहतरीन डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। काफी बेहतरीन कारोबार है, कभी कम होने वाला नहीं है इसका डिमांड मार्केट में। स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, विचार करने वाली बात है इस बिजनेस को लेकर। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। एक बेहतरीन आइडिया के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।